फिर उसके बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग किया, लेकिन उससे भी पहले हमने एक और चीज की थी कि जो वेव है वो या तो ट्रांसवर्स होगी या लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। ट्रांसवर्स ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, और लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। तो ऐसे ट्रेवल करती है। तो हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे। पहला फॉर्मूला कि अगर ट्रांसवर्स वेव जो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जाती है, उसका पहला फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट ऑफ ईटा बाय रो, ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला हमने किया था। दूसरा फॉर्मूला अगर ट्रांसवर्स वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग खिंची हुई रस्सी स्ट्रेच स्ट्रिंग में अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ टी बाय एम या टी बाय म्यू, टी फॉर टेंशन इन दिस स्ट्रिंग और एम या म्यू का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ये दूसरा फॉर्मूला। इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर वन, ये आपकी बुकलेट के अंदर थोड़ी लेट मिलेगा, 185 नंबर शीट, 183 नंबर या 184 नंबर शीट होगी, थोड़ा थ्योरी के बाद मिलेगी, बुकलेट में है ये, बुकलेट में है, क्योंकि बुकलेट में थ्योरी पहले है न्यूमेरिकल बाद में है, तो आप थोड़ा आगे सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा पेज, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के अंदर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ईटा गिवन है और डेंसिटी गिवन है, आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन अ मीडियम। तो आज अभी अभी हमने फॉर्मूला किया कि किसी भी सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ईटा बाय रो, ईटा पता है रो पता है आंसर। नेक्स्ट है स्टील वायर 0.72 मीटर लॉन्ग, मास गिवन है आपको, इसकी लेंथ गिवन है और मास गिवन है, वायर के अंदर टेंशन गिवन है, तो जब वायर में टेंशन गिवन होगी तो स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, वेयर एम इज मास पर यूनिट लेंथ, तो टी टेंशन पता है, मास पर यूनिट लेंथ निकाल लो, मास पता है लेंथ पता है, डिवाइड करके क्या जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां पर पुट करेंगे आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में फिर से एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, जब भी स्ट्रेच स्ट्रिंग आएगी उसमें वेलोसिटी का तो एक ही फॉर्मूला हमें आता है अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, एम का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, क्या गिवन है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल गिवन है, इफ स्ट्रेस ऑफ द वायर इज गिवन है, इसमें स्ट्रेस गिवन है डेंसिटी गिवन है स्पीड निकालनी है। अब देखो ना तो इस फॉर्मूले में स्ट्रेस यूज हो रहा है और ना डेंसिटी यूज हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, मान लेते हैं एक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो ऐसे केस में स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स इसमें टेंशन है, तो टेंशन क्या होगा स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस गिवन है एरिया नहीं गिवन, तो आप टेंशन निकाल लें इन टर्म्स ऑफ एरिया ऐसे छोड़ दें, फिर उसके बाद आप लें मास पर यूनिट लेंथ, जो मास होता है वो क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है एरिया इंटू लेंथ सेंट्रिकल वायर के लिए, तो लेंथ और लेंथ कैंसल, तो मास पर यूनिट लेंथ का दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया इंटू डेंसिटी, तो क्योंकि आपको डेंसिटी पता है एरिया नहीं पता तो ये आपके पास क्या जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, तो टेंशन भी आपने एरिया के फॉर्म में निकाल ली, आपने एम भी एरिया की फॉर्म में निकाल लिया, एरिया से एरिया कैंसल, सॉल्व करके क्या आ गया वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर वायर इज हेल्ड एट टू एंड्स विद अ रिजिड सपोर्ट, एक कॉपर की वायर है और दो एंड से बंधी हुई है, एट 30 डिग्री सेल्सियस वायर इज जस्ट टॉट विद नेग्लिजिबल टेंशन, 30 डिग्री सेल्सियस पे वो लूज है उसमें टेंशन नहीं है, आपको क्या निकालना है ट्रांसवर्स वेव निकालना है वायर में जब उसका टेम्परेचर 10 हो गया, जब वायर का टेम्परेचर 30 से 10 हो गया तो वायर क्या हो गई कॉन्ट्रैक्ट हो गई, टाइट कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो टाइट हो गई तो उसमें टेंशन आ गई, तो आपको इस केस में क्या गिवन है, आपको इस केस में क्या निकालना है स्पीड की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला वही लगेगा अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, क्योंकि स्ट्रेच स्ट्रिंग में एक ही फॉर्मूला में आता है अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, एम का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो आपको सबसे पहली चीज इसमें क्या गिवन है यंग्स मॉडुलस और अल्फा भी गिवन है, अल्फा तो इसके गिवन होगा ही क्योंकि ये थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉब्लम है, तो यंग्स मॉडुलस से सबसे पहले क्या करेंगे फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, फोर्स की जगह टेंशन, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेंशन, और डेल्टा एल थर्मल एक्सपेंशन से हमने निकाला था अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, तो यहां पर वाई पता है एरिया पता है एल से एल कैंसल और डेल्टा टी, तो आपको एरिया नहीं पता एरिया को ऐसे ही रहने दो, ए वाई पता है अल्फा पता है और डेल्टा टी, इसमें ना डेल्टा टी मैंने पुट कर दिया इसमें 10 जबकि आना चाहिए 20, कैलकुलेशन गलत हो गई क्योंकि डेल्टा टी में 30 डिग्री सेल्सियस से बॉडी इस वायर का टेम्परेचर कितना हो रहा है 10, 30 माइनस 10 शुड बी 20, तो मैं डेल्टा टी 20 पुट करना चाहिए मुझे, तो क्वेश्चन गलत हो गया पर चलो मेथड सीख लो, तो
तो इसमें टेंशन इन टर्म्स ऑफ एरिया निकल गया, और क्योंकि डेंसिटी पता है तो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया, मास पर यूनिट लेंथ इज एरिया इनटू डेंसिटी, तो एरिया की फॉर्म में आपने मास पर यूनिट लेंथ भी निकाल दिया, तो आपने टेंशन भी निकाल दिया एरिया की फॉर्म में, आपने मास पर यूनिट लेंथ भी निकाल दिया एरिया की फॉर्म में, एरिया से एरिया कैंसिल, सॉल्व करके वेलोसिटी आ गई। तो यंग्स मॉडुलस से टेंशन निकलेगी, बस यही इसमें मेन पॉइंट है। और जिन क्वेश्चन में एरिया नहीं गिवन होता उसको एरिया के फॉर्म में टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ को निकाल लेंगे, ताकि एरिया और एरिया क्या हो जाए, कैंसिल। तो यही इसकी टेक्निक है। इसके बाद ये ट्रांसवर्स वेव के बाद हमने कौन सी वेव की थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के फॉर्म में होती है। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड ऑफ बल्क मॉडुलस का ये फॉर्मूला। फिर हमने किया था स्पीड एक स्टील वायर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये फॉर्मूला। फिर हमने किसी गैस या एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल के किए थे। तो पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गिवन है। बल्क मॉडुलस के होता है और रिजिडिटी ईटा होता है। वेलोसिटी निकालनी है क्या होगी, डेंसिटी गिवन है। एक ही तो फॉर्मूला है जिसमें के भी है, ईटा भी है और डेंसिटी भी है, बस वैल्यूज पुट करो आंसर। तो इस शीट में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलास को रिलेट करना है आपने। उसी तरीके से अगले क्वेश्चन में स्टील रॉड है। अब स्टील रॉड के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला होता है वाई बाय रो, स्टील के अंदर। तो वाई बाय रो, आपको क्वेश्चन में वाई पता है और रो पता है, बस दोनों वैल्यूज गिवन है, तो वाई बाय रो से क्या जाएगा आंसर। तो दूसरे फॉर्मूला की एप्लीकेशन है। तो अब जो नेक्स्ट है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड है। तो ये हमने किए थे, फैक्टर्स में क्या शॉर्टकट किया था, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, एम इज मॉलिकुलर मास और टी फॉर टेम्परेचर। तो इसका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में एट वॉट टेम्परेचर, क्या निकालना है, टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड भी डबल, स्पीड क्या हो जाए डबल, पहले टेम्परेचर क्या था 273, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। तो जब टेम्परेचर T1 है तो स्पीड V1 है, T2 है तो V2 है, आपको वेलोसिटी कितनी लेने को कहा, डबल। टेम्परेचर पहला कितना है 273, सॉल्व करके क्या आ गया T2, तो T2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, T2 की वैल्यू आ जाएगी इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन। तो ट्यूनिंग फोक है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है इन एयर। तो एयर के अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों गिवन है एसटीपी पे। कैलकुलेट इंक्रीज इन वेवलेंथ, तो वेवलेंथ पहले कितनी है, पहले वेवलेंथ 1.5 है, तो नई वेवलेंथ निकाल देंगे और दोनों को माइनस करके इंक्रीज इन वेवलेंथ आ जाएगी। तो नई वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब एक चीज याद रखना, आप टेम्परेचर बढ़ाएं, आप एक वेव को दूसरे मीडियम में एंटर करवा दें, एयर से, वैक्यूम, वैक्यूम से एयर, वाटर, जिसमें मर्जी, एक चीज कभी नहीं चेंज होती वेव की, और वो है फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी चेंज हो जाती है, स्लो हो जाती है पानी के अंदर, लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। उसका रीजन है, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि कितनी वेव जनरेट हो रही है एक सेकेंड में। अब सोचो आपके पास एक रस्सी है, रस्सी का एक एंड मेरे हाथ में है और मैं वेव जनरेट कर रहा हूं, मैं एक सेकंड में 10 वेव जनरेट करता हूं। अब ये, अब हवा में वेव आ गई है या रस्सी में वेव आ गई है, कितनी वेव जनरेट हुई, 10। किसने जनरेट की, मैंने जनरेट की। आपको सर पानी है आगे, एयर है, तो मैं कहूंगा मेरे को क्या लेना देना, मैंने तो 10 ही जनरेट की ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 10 ही रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी क्योंकि नंबर ऑफ वेव कौन जनरेट कर रहा है, सोर्स। तो याद रखना, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा फैक्टर चेंज नहीं होता जब एक वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो आंसर क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी। वो पूछेगा क्यों नहीं चेंज होता, तो आप बोलेंगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स ऑफ द वेव। तो मीडियम से इसका कोई लेना देना नहीं है।
तो टेम्परेचर चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे हाथ में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, तुम कर दो टेम्परेचर चेंज, तो भी अगर 10 वेव निकल रही है तो मैं बाद में 10 ही निकाल लूंगा। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी पहले भी 220 है, बाद में भी 220 है। तो एक टेम्परेचर आपको एसटीपी पे 273 केल्विन गिवन है, और जब फ्रीक्वेंसी इतनी है, और दूसरा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना है, 300 केल्विन, तो 300 केल्विन। तो आपको लैम्डा नॉट पता है, लैम्डा नॉट का मतलब एट एसटीपी, लैम्डा पता है, एसटीपी फ्रीक्वेंसी पता है, तो एसटीपी पे क्या निकलेगी, वेलोसिटी। तो आपने वेलोसिटी निकाल दी 273 पे, फिर आपको वेलोसिटी कब निकालनी है, 300 केल्विन पे, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो जब 273 टेम्परेचर है तो वेलोसिटी कितनी है, 330 है, ऊपर निकाल लिया हमने, और जब टेम्परेचर 300 केल्विन है तो क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो यहां से सॉल्व करके वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहां से जो वेलोसिटी आएगी, पर हमें तो लैम्डा निकालना है, वी क्या होता है, न्यू इनटू लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं, वो पहले भी 220 है, अब भी 220 है, तो वेलोसिटी की जगह फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा पुट करके लैम्डा आ गया। तो पहले लैम्डा कितना था, 1.5, अब कितना है, 1.57, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.07, तो इंक्रीज इन वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन है, फाइंड टेम्परेचर, तो क्या निकालना है, टेम्परेचर एट विच साउंड ट्रेवल्स इन हाइड्रोजन, तो किस गैस में टेम्परेचर निकालना है, हाइड्रोजन का, विद सेम वेलोसिटी एज इन ऑक्सीजन एट 1000 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं कि देखो, मान लो दो गैसेस लो, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, दोनों का टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस लो, तो एक का टेम्परेचर आपने ऑक्सीजन का 1000 कर दिया, तो बोलो हाइड्रोजन का कितना टेम्परेचर लें ताकि वेलोसिटी दोनों की क्या जाए, सेम, ऑक्सीजन की 1000 डिग्री सेल्सियस पे और हाइड्रोजन की 3 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक काम करते हैं, पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन की स्पीड मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी 0 है और 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी 1000 है। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन की स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पे भी 0 डैश है और 3 डिग्री सेल्सियस जो निकालना है VT डैश है, ठीक है यहां तक। अब मुझे ये पता है कि जब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की जो वेलोसिटी जो साउंड की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होती है। तो जब टेम्परेचर 273 था, 0 डिग्री सेल्सियस, तो वेलोसिटी V0 थी। जब 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वेलोसिटी V1000 थी। तो पुट करके रेशियो आ गई V1000 बाय V0 की। एक इक्वेशन सेम रूल हाइड्रोजन के लिए लगा लेते हैं, बस हाइड्रोजन में फर्क ये होगा, 1000 की जगह टी डिग्री सेल्सियस होगा और V0 की जगह V0 डैश होगा, ये VT डैश हो जाएगा। ये भी क्लियर है यहां तक? तो आपने ये एक केस बना लिया, 0 और 1000 का ऑक्सीजन के लिए, 0 और टी का हाइड्रोजन के लिए। पर उसने क्या कहा कि स्पीड जो ऑक्सीजन में 1000 डिग्री सेल्सियस पे है, हाइड्रोजन की टी डिग्री सेल्सियस में स्पीड की वैल्यू क्या रखनी है, सेम। तो ये और ये एग्जैक्टली सेम कर दो, तो इसे और इसे क्या कर दिया मैंने, इक्वेट करके आपके पास V0 और V0 डैश की रेशियो आ गई। इसको ऐसे रहने दो, जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी होती है। तो ऑक्सीजन के लिए अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन। अब डेंसिटी की रेशियो क्वेश्चन में 1/16 गिवन है ऑलरेडी, तो यहां से आपके पास ये 1:4 आ गया। इसे और इसे इक्वेट करके टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसमें दो रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं, पहला रिजल्ट टेम्परेचर के साथ चल रहा है और दूसरा रिजल्ट डेंसिटी के साथ चल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ आप यहां पे आगे फंसेंगे। वेलोसिटी की रेशियो कहां से निकलेगी, डेंसिटी से, फिर यहां रेशियो पुट करके टी डिग्री सेल्सियस कैन बी कैलकुलेटेड। आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इसे यूज करना है। इस क्वेश्चन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गिवन है एट एसटीपी 273 पे, स्पीड गिवन है।
व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन हाइड्रोजन एट एसटीपी, टेम्परेचर रिमेनिंग दी सेम, क्योंकि एसटीपी एसटीपी टेम्परेचर सेम है, स्पीड की वैल्यू हाइड्रोजन में निकालनी है, और रेशियो गिवन है डेंसिटी हाइड्रोजन की 1/16 दैट ऑफ एयर। अब साफ पता लग रहा है कि स्पीड और डेंसिटी का रिलेशन लगेगा, और क्या रिलेशन है, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। तो ये वेलोसिटी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एयर एयर, तो आपको ये क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, हाइड्रोजन की डेंसिटी जो डेंसिटी है 1/16 एयर के साथ गिवन है, तो ये रेशियो आ गई, तो आपको एयर के अंदर डेंसिटी 332 गिवन है साउंड की, वेलोसिटी गिवन है, तो हाइड्रोजन के अंदर वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, यहां तक कैसे करना है समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन है फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन विद गामा गिवन, दैट ऑफ हीलियम, गामा गिवन, दोनों गैसेस का गामा डिफरेंट है, एट सेम टेम्परेचर, चलो टेम्परेचर सेम है, और कैपिटल एम की रेशियो, कैपिटल एम की वैल्यूज भी गिवन है, टेम्परेचर का गामा का कैपिटल एम का वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला ही एक है, क्या, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। टेम्परेचर क्योंकि सेम है, क्या चीज दोनों गैसेज की चेंज हो रही है, गामा और एम, तो एक बार ये रेशियो हाइड्रोजन के लिए और एक बार ये रेशियो हीलियम के लिए, तो आपको रेशियो, आपको गामा की रेशियो गिवन है, गामा की वैल्यूज गिवन है, आपको रेशियो ऑफ कैपिटल एम या वैल्यूज ऑफ कैपिटल एम गिवन है, तो यहां से रेशियो आ जाएगी किसकी, हाइड्रोजन और हीलियम की वेलोसिटी की। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि सीधा एक ही फॉर्मूला, मतलब इसमें तो यही आइडेंटिफाई करना है कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा, दैट्स इट। ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी 1000 डिग्री सेल्सियस वाला किया था, इसमें गैस ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन है, तो ये सेम क्वेश्चन। इसके बेस पे 180 ना, इसके बेस पे 183 के नीचे ही है क्या, इसमें कोई